हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, अगर आप अपने पीसी पर विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 हो अगर आपके पास, और आप उस पर गूगल इनपुट टूल को डाउनलोड करना चाहते हो हिंदी टाइपिंग के लिए, तो कैसे आप हिंदी गूगल इनपुट टूल को डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ 11 पर या विंडोज़ 10 पर, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। गाइज़, हिंदी टाइपिंग जैसे हमें बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है हिंदी टाइपिंग के लिए, तो आप बहुत इजीली इंग्लिश में टाइप करके ऑटोमेटिकली वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे आप गूगल इनपुट टूल हिंदी को डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी पर, उसको ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। गाइज़, अगर हम क्रोम ब्राउज़र पर उसको ऐड करते हैं गूगल इनपुट टूल को, यहाँ गूगल पर अगर आप एक्सटेंशन, तो यहाँ गाइज आप ये डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको ऐड करने का आपको ऑप्शंस मिल जाएगा ऐड टू क्रोम। बट अगर आप इसको ऑफलाइन यूज करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गाइज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पर एक zip फाइल को डाउनलोड करना होगा। आप इस पेज पर आ जाओगे, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर एक zip फाइल डाउनलोड होगी, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये zip फाइल है गाइज, इसको आप ओपन करेंगे डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ पर ये आप इसको यहाँ से गाइज डाउनलोड फोल्डर में आएगा आप अपने, और इसको यहाँ पर ओपन करेंगे विनरार में, और दोनों को आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, दो फाइल आपको यहाँ मिलेगी, दोनों को आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे मैं नोट पैड ओपन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इसको यूज़ करने के लिए विंडो प्लस स्पेस बार की को प्रेस करना होगा। जैसे आप ये प्रेस करेंगे विंडो प्लस स्पेस बार को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड लेआउट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम और हिंदी, ठीक है, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको हिंदी गूगल इनपुट टूल्स का। ठीक है, तो गूगल इनपुट टूल्स आप इस विंडो प्लस स्पेस बार से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो आप अब हिंदी में इसको इस तरीके से टाइप कर सकते हो। जहां भी आप टाइप करना चाहते हो गाइस हिंदी में, अब इस तरीके से आप बहुत इजीली टाइप कर सकते हो। तो गाइज अब हिंदी में अब आप ऑफलाइन गूगल इनपुट टूल्स की मदद से टाइप कर सकते हो। इस तरीके से गाइज आप गूगल इनपुट टूल्स का यूज़ कर सकते हो और इसको ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।